नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे एमलोडिपाइन टैबलेट्स के ऊपर, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एमलोडिपाइन टैबलेट्स या फिर एक प्रकार के ऐसे मेडिकेशन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड इवन एंजाइना पेक्टोरिस में। एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को एक तरह से चेस्ट पेन महसूस होता है, तो उस कंडीशन में भी एमलोडिपाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन आप देखेंगे एमलोडिपाइन टैबलेट्स एक प्रकार की एक ऐसी क्लास से बिलोंग करती है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, और इसका जो काम होता है ये नॉर्मलाइज करती है आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को। जो ब्लड वेजल्स में हाई ब्लड प्रेशर के दौरान जब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है तो उस प्रेशर को ये एक तरह से नॉर्मलाइज करती है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक्स हैं या स्ट्रोक हैं, तो ये सभी दिक्कतों से ये एक तरह से आपको ये प्रिवेंट कर सकता है। इवन आप देखेंगे इसे एक तरह से जो इस्तेमाल किया जाता है जब आपको ये कॉमनली सिम्टम्स देखे जाते हैं, और तभी आप इस पर्टिकुलर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिना डॉक्टर की एडवाइस के इसे ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इवन अगर अब आगे हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 2.5 mg, 5 mg, इवन 10 mg में भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम जाने कि बाज़ार में क्या ब्रांड नेम्स के नाम से ये अवेलेबल होता है, तो ब्रांड नेम्स की बात करें तो जैसे एमलोकाइंड है, एमलोवास है, एमलोप्रेस है, तो ये सभी प्रकार के इसमें ब्रांड नेम्स देखने को मिल सकते हैं। इवन और भी फर्दर नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, बट जो जेनरिक नेम है वो एक ही होता है किसी भी मेडिकेशन का। आगे अगर हम जाने कि क्या इसके यूजेस होते हैं, यूजेस में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार की एक तरह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो जाती है, या फिर आप देखेंगे हाइपरटेंशन के केस में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ये कम करने में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो आर्टरीज़ में प्रेशर क्रिएट होता है जो ब्लड के बढ़े हुए प्रेशर के कारण, तो उससे बहुत ही खतरा वाली एक निशानी हो सकती है, डिफरेंट प्रकार की डिसीज़, इवन किडनी पे भी ये लोड आएगा। तो ये आपके एक तरह से ऑक्सीजन के फ्लो को भी, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगा, यानी ऑक्सीजन के फ्लो को भी मेंटेन करेगा। और एंजाइना जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, चेस्ट पेन की समस्या में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन जो फ्यूचर में फर्दर हार्ट अटैक्स या फिर स्ट्रोक की समस्या भी हो सकती है, उसे भी ये प्रिवेंट करने में सक्षम है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। आगे अगर हम जाने कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स में दिखते हैं जो कि वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे कि स्लिपिनेस है या एब्डोमिनल पेन है, और इसके अलावा आप देखेंगे हेडेक है, नौशिया है या फटीग है, मीन सर दर्द, थकावट रह सकती है, नींद का एक समस्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कुछ इसके अंदर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स दिखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आगे हम जाने कि क्या इसके अंदर प्रिकॉशंस होते हैं, प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी मेडिकेशन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना करें। और अगर आप एलर्जिक हैं इसके कंटेंट के, एमलोडिपाइन के कंटेंट के या फिर एमलोडिपाइन से, तो इसे अवॉइड करें फर्दर। और कुछ इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस जो टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, बिना उसकी टेस्ट करवाए आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें, या फर्दर भी किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। इवन अगर आपको हिस्ट्री रही हो पहले से लीवर की डिसीज़ की या किडनी डिसीज़ की, तो भी आप इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें खास चीज़ ये है कि इसमें जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं वो इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा है। अगर इसे पेशेंट एक तरह से लो ब्लड प्रेशर वाले इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सीवियर हाइपोटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए लो ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें, और अगर इसे ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।